अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। लर्निंग आउटकम परीक्षा नियमानुसार हुई संपन्न। आज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार पाठक के आदेश अनुसार एवं नगर शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में उच्च प्राथमिक विद्यालय रहना नगर क्षेत्र में लर्निंग आउटकम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया। सील बंद पेपर के लिफाफे को वीडियोग्राफी कर खुलवाया गया। इसके पश्चात स्टाफ के साथ मिलकर बच्चों को रोल नंबर के क्रम अनुसार बैठा कर शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराई गई। इस मौके पर विद्यालय के समस्त स्टाफ एवं कक्षा 5, 6, 7, 8 के बच्चों ने भी भाग लिया। देखिए फिरोजाबाद से हमारे विशेष संवाददाता करण कुमार की खास रिपोर्ट। आज जो आपके माध्यम से निरीक्षण चल रहा है वो किस संदर्भ में चल रहा है? ये आज दिनांक 8/11/2019 को सभी प्राइमरी और उच्च प्राथमिक विद्यालय में आउटकम लर्निंग की परीक्षा कराई जा रही है, जिसके संदर्भ में जोनल मजिस्ट्रेट और सुपर जोनल मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें जोनल मजिस्ट्रेट के तौर पर तहसीलदार सदर विवेक कुमार सिंह भदौरिया आज यहाँ परीक्षण करने आया हूँ कि नकल विहीन और अच्छी तरीके से एग्ज़ाम हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितने बच्चे यहाँ एनरोल हैं और कितने बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये देखकर हमें रिपोर्ट करना है। आज जो विद्यालय में एग्जाम चल रहा है, कौन सा विद्यालय है और किस तरह का एग्जाम है? आज लर्निंग आउटकम की परीक्षा 8/11/2019 को आयोजित की जा रही है, जिसमें सभी बच्चों का शत प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है और शुचिता बनाए रखना विद्यालय के लिए बहुत आवश्यक है। इसी के संदर्भ में विजय किरण आनंद जी ने परीक्षा के निर्देश दिए, जो सारा स्टाफ के साथ यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं। ये परीक्षा कितनी देर की है और कितने बजे से कितने बजे चल रही है? परीक्षा 10:30 बजे शुरू हुई है, 12:30 बजे खत्म हो जाएगी। 2 घंटे लमसम कितने बच्चे हैं जो मौजूद हैं अभी इस परीक्षा में? हमारे विद्यालय में 111 में से 75 बच्चे। थैंक यू दोस्तों। क्या कर रही हो अंजलि, इतने में थैंक यू बोल रही हो? अभी तुमको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, तब जाकर हम बोलेंगे इनको थैंक यू। तो जल्दी